brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. भिवानी पहुंचे जेजेपी प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने एक ऐसा बयान दिया जिसकी गूंज अब दूर तक सुनाई दे रही है। दिग्विजय ने भूपेंद्र हुड्डा और मनोहर लाल की सांठ गांठ का जिक्र किया है और उनके बयान के बाद इस कयास को और मजबूती मिल गई है कि भूपेंद्र हुड्डा स्वयं करनाल में पूर्व सीएम मनोहर लाल के सामने कोई तगड़ा कैंडिडेट न देकर खट्टर की आसान जीत सुनिश्चित करने में लगे हैं। सोशल मीडिया से लेकर तमाम तरह के पॉलिटिकल स्पेस में इस साठगांठ की सुगबुगाहट कई दिनों से चल रही थी और अब दिग्विजय ने चौड़े में इस बात को दोहराते हुए हुड्डा पर गंभीर आरोप लगा दिया है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में फिर एक बार इस सुगबुगाहट ने जोर पकड़ लिया है और अब लोग पूछ रहे हैं कि क्या वाकई भूपेंद्र हुड्डा और मनोहर लाल के बीच कोई फ्रेंडली मैच तो नहीं चल रहा। खैर, इसका जवाब तो कांग्रेस लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट आने के बाद ही पता लगेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपको सुनाते हैं दिग्विजय का वो पूरा बयान जिसके बाद इस सुगबुगाहट ने जोर पकड़ा है। बात करें अगर मनोहर लाल की, जो बीजेपी नेताओं का विरोध हुआ था, बीजेपी नेताओं पर जारी है, वो कह रहे कि सिर्फ फिर लोग जो है विरोध करें, क्या लगता है इससे विरोध कम होगा या बढ़ेगा? किसी को सिरफिरा कहना, किसी को इस तरह की बात कहना गलत है। हरियाणा का प्रत्येक जन हमारे परिवार का सदस्य है और अपने ही परिवार के लोगों को सिरफिरा कह देना, पागल कह देना, ये मनोहर लाल जी की गलत मानसिकता को दर्शाता है। मैं ये मानता हूँ कि हरियाणा में 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का अगर सबसे कमजोर दावेदार है तो वो मनोहर लाल है। बेशर्ते भूपेंद्र हुड्डा और मनोहर लाल के बीच की जो सांठगांठ है उसके हिसाब से चुनाव नहीं लड़ा गया तो कांग्रेस और विपक्ष अच्छा मजबूत कैंडिडेट अगर उतारेगा तो मैं ये मानता हूँ मनोहर लाल की हार निश्चित है। नायब सैनी की करनाल की सीट पर हार निश्चित है। मनोहर लाल और हुड्डा की सांठगांठ के बाद दिग्विजय ने अपने चाचा पर भी बोलना शुरू किया और कहा कि कुरुक्षेत्र में तो बच्चा बच्चा इस बात को कह रहा है कि वो वहां भाजपा की मदद करने गए हैं। इतना ही नहीं, दिग्विजय ने अपने चाचा पर भी मनोहर लाल के साथ सांठगांठ का आरोप लगाया है। अंत में अब आप सुनिए कि दिग्विजय चौटाला ने अपने चाचा और इनेलो के घोषित उम्मीदवारों पर क्या कहा। नहीं, ऐसे ऐसे उनकी अपील करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो स्वयं जो है कुरुक्षेत्र के अंदर बच्चा बच्चा ये कह रहा है कि अभय सिंह चौटाला भारतीय जनता पार्टी को मदद करने वहाँ गए हैं। उनने जो भी कैंडिडेट जहाँ भी उतारे हैं, अभी 3 कैंडिडेट उतारे हैं, 3 में खुद भी वो स्वयं भी हैं, तीनों जगह उनके कैंडिडेट से भारतीय जनता पार्टी की मदद हो रही है। मैं जनता से कहूँगा इसका एनालिसिस करें, और हमारे 5 कैंडिडेट से भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान हो रहा है, इसका भी एनालिसिस करें। तो गलतफहमी अभय सिंह चौटाला जी फैला रहे हैं। अभय सिंह चौटाला असली मायने में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, मैं ये मानता हूं। वो तो कह रहे हैं कि राव बहादुर सिंह जो बीजेपी के कैंडिडेट, राव बहादुर सिंह जीत की ओर अग्रसर हैं और भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा नुकसान इस सीट पर होगा। जो धर्मवीर जी जो ये कहते थे कि मैं चुनाव ही नहीं लड़ना चाहता, मैंने लोगों के काम नहीं करवाए, तो नाकारा जो लोग हैं जो काम नहीं करवा पाए उनको लोग चलता करने का काम करेंगे, जो राजनीतिक पर्यटक हैं श्रुति चौधरी जैसे उनको लोग नहीं अपनाएंगे, और राव बहादुर सिंह जिसके काम भी बहादुर हैं, समाज सेवी है, मेहनती है, और तो और जिसने एजुकेशन को इस रिमोट एरिया में बढ़ावा दिया है, आज उनके 16-17 इंस्टीट्यूट हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं, ऐसा व्यक्ति जो समाज के हर वर्ग से जुड़ा हुआ है, राव बहादुर सिंह की जीत को निश्चित से सुनिश्चित। ये तो बड़ी अजीबोगरीब चर्चा है, हाइपोथेटिकल, ये किसने बताई आपको? मुझे तो अभय सिंह का खुद का ही तय नहीं अभी तक। अभय सिंह जी, मुझे तो यहाँ तक लगता है कि अभय सिंह और मनोहर लाल खट्टर की बहुत गहरी सांठगांठ इस चुनाव में हो गई है और अभय सिंह चौटाला मनोहर लाल खट्टर के इशारे पर ही काम करेंगे। वो जो भी कैंडिडेट उतारेंगे, वो जहाँ भी विपक्ष को नुकसान करने का प्रयास करेंगे, वो मनोहर लाल खट्टर के इशारे पर करेंगे। अंतिम सवाल है कि जब गठबंधन टूटा तो दिग्विजय जी ने कहा था कि गायें तो गई, कुत्ता भी फाड़ लेंगे, तो अब मनोहर लाल कह रहे हैं कि वो पता है कि गायें कौन सी और कुत्ता कौन सा। वो हरियाणवी समझते नहीं है, उनको यही नहीं पता ये जो बात कही गई इसका तुक क्या है, इसके पीछे का जो वो इसका इसकी परिभाषा क्या है। वो शहरी लोग हैं, कॉरपोरेट कल्चर में इन लोगों ने राजनीति की, जिन लोगों ने चीफ मिनिस्टर के घर का दरवाजा 5 साल छोड़ो 10 साल खोला ही नहीं,
सीएम विंडो बना दी, और इन लोगों का हरियाणा से कोई ज़्यादा गहरा रिश्ता नहीं है, ये तो कहीं नागपुर कहीं और संघ में काम करते रहे, दाव लग गया यहाँ पर, चुनाव जीत गए और मुख्यमंत्री बन गए। मैं कह रहा हूँ कि जिस दिन से वो मुख्यमंत्री हटे हैं और अभी तो बीजेपी की सरकार जनाते हैं, आप इनको चीफ मिनिस्टर की हैसियत से छोड़ो, इनको तो कोई एमसी की हैसियत से भी नहीं पूछेगा, ये अकेले गाड़ी में चला करेंगे, क्योंकि इनने लोगों से कोई डायरेक्ट जुड़ाव नहीं किया, लोगों से कोई इनका आपस में कोई मेल जोल नहीं है, इनसे कोई व्यक्तिगत तौर पर कोई जुड़ाव आदमी नहीं, इनका घर के लोग ही नहीं जुड़े। बहरहाल अब दिग्विजय तो अपने चाचा अभय और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा दोनों पर मनोहर लाल से सांठ गांठ का आरोप लगा रहे हैं, मगर आप जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको दिग्विजय की बात में कितना दम नजर आता है। भिवानी से हरियाणा तक के लिए जगबीर की रिपोर्ट।